हो गई शुरू। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज मैं आपको मॉडल पेपर या 5 साल पेपर 2019 करवाने ही लगा हूँ, तो ज़रा गौर कीजिएगा। 9th आर्ट्स का है ये, डिफाइन पर क्वेश्चन पहली डेफिनेशन है। प्रोपोर्शन में बेसिकली क्या होता है, टू इक्वालिटीज ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। इक्वालिटीज ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। फर्स्ट क्वेश्चन 2019 में ग्रुप टू में आया था। कहते जी अगर एक घरों में 82% घरों में टेलीविजन है और बाकी कितने घरों में टेलीविजन नहीं है, उनके बाकी जो है कितने परसेंट लोगों के पास टेलीविजन नहीं है, टू नॉट है, ठीक है जी। टोटल परसेंटेज होती है 100, उसमें से 82 आप लेस कर दें तो आपके पास आ जाएंगे 18 घरों में टेलीविजन नहीं है, ये डू नॉट है टेलीविजन, ये इतने परसेंट लोगों के घर में टेलीविजन नहीं। कहते हैं जी 56% को एक्सप्रेस करें क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इसकी परसेंटेज के साइन को खत्म करने के लिए हम 100 पे डिवाइड कर देंगे, कटिंग करेंगे, 2 2 द 4, 2 8 द 16, 2 5 द 10 और 0, 2 2 2 2 द 4, 2 5 द 10, 2 1 द 2, 2 4 द 14, 2 4 द 8 और 1 और 14 ओवर 25/14 जो आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली आपने ज़कात कैलकुलेट करनी है और अमाउंट आपके पास 5 लाख है। ज़कात के लिए आप 1/25 यूज़ करते हैं, तो उसके लिए मैं 5 लाख की अमाउंट पहले लिखूंगा जी। इसके ऊपर हमने अमाउंट हमारे पास आ गई, इसके ऊपर ज़कात हमने कैलकुलेट करनी है, तो ज़कात होती है 22.5%, ठीक है। तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 5 लाख 2.5/100, ठीक है जी। और जब ये इसके साथ कटिंग शटिंग हो के आपके पास जवाब आएगा 12,500। ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत अपर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है, आप इसको जरूर देखिएगा। उसके बाद उशर कैलकुलेट करना है, उशर के लिए आपके पास 6 लाख रुपए किया, 6 लाख अमाउंट के ऊपर आपने उशर कैलकुलेट करना है। उशर होता है, रेट ऑफ उशर हमारे पास आता है 10%, यानी उशर हमने 10% निकालना है 6 लाख के ऊपर। तो ये हमारे पास 60,000 रुपया उशर की अमाउंट बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने लॉस की मैं आपको डेफिनेशन करवाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 था, ये आएगा अब 6। लॉस, लॉस बेसिकली आप उसमें आप देख सकते हैं कि जो प्राइस ऑफ आर्टिकल, प्राइस ऑफ आर्टिकल, लॉस की डेफिनेशन मैं बता देता हूँ। प्राइस ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल या कोई भी चीज इज लेस देन सेल प्राइस, सेल प्राइस से उसकी प्राइस लेस हो जाए या आर्टिकल की अपनी प्राइस लेस हो, वो उससे कम पैसों पे सेल हो जाए, सेल ऑफ सेल प्राइस उसकी लेस हो या लेस देन कॉस्ट, लेस देन इट्स कॉस्ट कर लें, लेस देन इट्स कॉस्ट, ठीक है प्राइस, दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आता है वो आपका जो है लॉस कहलाता है। प्राइस ऑफ आर्टिकल एंड लेस इट्स द कॉस्ट प्राइस, द डिफरेंस बिटवीन देम
अगर पॉजिटिव आ जाए तो प्रॉफिट, और अगर नेगेटिव आ जाए तो लॉस। अब ये बात देख रखिएगा, अगर जवाब दोनों के दोनों डिफरेंस पॉजिटिव है तो प्रॉफिट, अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, लॉस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नया क्वेश्चन है, हमने कॉस्ट प्राइस को फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कॉस्ट प्राइस को फाइंड करना है। हमारे पास सेल प्राइस हमारे पास गिवन है 672 एंड प्रॉफिट हमारे पास 5%, मैं भी लिखता हूँ कितने परसेंटेज, 5% प्रॉफिट है। तो हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए हमारे पास आसान सा फॉर्मूला होता है 100 मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर लें तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अगर इसी तरह हमने लॉस हो गया हो तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, तो भी कॉस्ट प्राइस सेम रहेगी। अब देखें 100 मल्टीप्लाई बाय 672 डिवाइड बाय 100 प्लस 5, तो ये बन जाएगा 672 ओवर 105। जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूँगा कैलकुलेटर के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 640। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, हमारे पास है फाइंड द मार्क प्राइस, एमपी फाइंड करना है, हमने मार्क प्राइस फाइंड करना है। दोस्तों इस बात का ख्याल रखिएगा, ये बेसिकली आर्ट्स मैथ आर्ट्स का ग्रुप 2 का पेपर मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, जो कि आपके लिए आसानी का सबक बनेगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो आप यहाँ से देख लेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मार्क प्राइस आपने फाइंड करनी है, आपके पास सेल प्राइस गिवन है 2400 और डिस्काउंट आपके पास गिवन है 5%। इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस का, क्योंकि इसमें हमें सेल प्राइस मार्क प्राइस हमें नहीं गिवन है तो हमने उसको निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 100 मल्टीप्लाई बाय 2400 डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। तो ये जब होगा तो डिस्काउंट मेरे ख्याल से 4% 5 नहीं है 4 है, तो आप यहाँ पे 4 कर लें देन आपके पास जवाब आ जाएगा। जैसे ही आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे हमारे पास ऊपर वैल्यू आ गई 100 ओवर 96 मल्टीप्लाई बाय 2400। जब भी मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 2500। ये आपको किसी भी खुलासे में इस तरह आसानी से नहीं मिलेगा आसान तरीका, तो आप यहाँ से इसको एक दफ़ा टच जरूर करें ताकि आपके क्वेश्चन आसानी से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाने लगा हूँ डिफाइन बैंक ड्राफ्ट। डिफाइन बैंक ड्राफ्ट बैंक ड्राफ्ट में होता है ऑर्डर टू पे अ मनी बाय वन ऑफिस ऑफ अ बैंक अपॉन एन अदर ऑफिस ऑफ द सेम बैंक फॉर अ सम ऑफ मनी पेएबल एट टू ऑर्डर ऑन डिमांड पेएबल ऑन ऑर्डर टू डिमांड। ये आपकी बैंक ड्राफ्ट की डेफिनेशन है। डाउन पेमेंट भी आ जाती है, द कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द पेमेंट विद द बैंक अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है हमारे पास, हमने 2 के पहले क्वेश्चंस किए थे अब 3 के कर रहे हैं। हमने कंप्यूटर की प्राइस हमारे पास गिवन है 3400, इसका क्वेश्चन नंबर बनेगा ये हमारे पास 3 का बनेगा जी 2, 3 का पार्ट 2 आ गया। हमारे पास कंप्यूटर की जो प्राइस है, कंप्यूटर की प्राइस वो हमारे पास 34800। हमारे पास लेट ओरिजिनल जो है वो उसके अंदर इंक्लूसिव है सेल टैक्स, सेल टैक्स इतना इंक्लूसिव है 3%। हमने जो फाइंड आउट करनी है वो हमने कस्टमर कह रहे जी हमें ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है, ओरिजिनल प्राइस
यानी कि ऐसी प्राइस जिसमें सेल टैक्स इंक्लूड ना हो, इंक्लूड के सेल टैक्स के बगैर वाली प्राइस निकालनी है। तो इसका तरीका कार ये है, 100 मल्टीप्लाई बाय कंप्यूटर ओरिजिनल प्राइस प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस टैक्स। अब देखिए ओरिजिनल प्राइस जो है हमारे पास वो बनती है 34800, नीचे हमारे पास बनती है 100 प्लस कितने परसेंट टैक्स हुआ 16% 100/116 मल्टीप्लाई बाय 348। आप ये इसको इस तरह अलग से डिवाइड कर लें और फिर इसके पास इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास 30,000 के करीब अमाउंट क्रिएट हो जाएगी। ये जी इसकी ओरिजिनल प्राइस है। अब अगर किसी को अभी भी अगर इशू है इस क्वेश्चन में तो वो बता दें, ये फॉर्मूलाज बिल्कुल एक्यूरेट है, इसको आप फॉलो कर लें। आपके क्वेश्चन जो आपने याद नहीं होते आपसे नहीं होते तो आप इन्हीं फॉर्मूलाज को कर देख के आप सॉल्व आउट कर लें या फॉर्मूलाज आप बुक में लिख लें, आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। अब मैं आपको करवाऊंगा थ्री का पार्ट थ्री, उसमें ही है कि डेफिनेशन पर्सनल इनकम की, वो आप ना कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाते हैं, उसमें है हमारे पास क्वेश्चन है लॉग 10 डिवाइड में आपका बेस में, और उसके बाद हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो लिखी है जी x प्लस 3 इज इक्वल टू 2। जो बेस होती है वो कन्वर्ट हो जाती है उधर वाली साइड पे, यहाँ मैं लिखूंगा x प्लस 3 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 किसकी इक्वल होती है जी 100 की इक्वल होती है, तो इसको 100 की इक्वल कर लें और इसमें से 100 में से 3 माइनस कर लें तो हमारे पास x जनरेट हो जाएगा ना P7। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 पे आते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है a की 1/4, ये जी 6 चैप्टर में से है और 1/2/3, ठीक है जी। क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान हल है, ऐसी पोजीशन आ जाए तो आप देख लेते हैं बेसिस सेम है तो आप पावर्स को ऐड कर लेते हैं 1/4 + 2/3। इसके नेक्स्ट ही स्टेप में मैं यहीं पे कर दूंगा, एलसीएम ले लेता हूँ 3/4 = 12, 3/1 = 3, 3/1 = 3, 4/2 = 8, तो ये हमारे पास बन गया 8/11/12 कम्प्लीट क्वेश्चन हो गया मेरे बेटे। इसके बाद आपने कभी भी पेपर में ऐसी कंडीशन नहीं लगानी, मैं तो स्पेस कम होने की वजह से कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारे पास जो बनेगा वो है जी लॉग 32 ओवर लॉग 4। लॉग 32 और लॉग 4 में आप इसको अलग से कर लें, इनको दोनों को लॉग को कन्वर्ट कर लें, ये 2^5 और ये log 2^2। log का रूल कहता है कि आप वैल्यू को पावर्स को पहले ले आते हैं, बाकी वैल्यूज वहीं पे वैसी ही रहती हैं, कटिंग होने के बाद हमारे पास जवाब आ गया 5/2। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जा रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को यहाँ पे मसला हो तो वो बिना झिझक अपनी चीज़ को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, मैसेज कर दें हम आपको बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हमें फाइंड करना है an इज इक्वल फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास यहाँ पर 7, an इज इक्वल टू n 3n-5। a1 फाइंड करेंगे फर्स्ट टर्म, n की जगह 1 मैं लिख दूंगा और ये बन जाएगा हमारे पास 3/3 और -5 = -2। a2 फाइंड करना है इसी तरह, n की जगह मुझे 2 लिखूंगा मैं, 6/1। a3 लिखूंगा मैं इसी तरह 3/3 - -5, 9 में से 5 के तुम्हारे पास 4। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है log 10, ठीक है, ये रिपीट क्वेश्चन है और हमने पहले ही इसको कर लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जी ये क्वेश्चन है जी 1/4 और 2/3 का, a की पावर 1/4 और मल्टीप्लाई a की पावर 1/2, ठीक है 2/3। ये भी क्वेश्चन रिपीट में आ गया हमारे पास।
अब हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा, या मैंने कर लिया होता है इसलिए मैंने इसको दोबारा नहीं कर, हमारे पास अरिथमेटिक मीन निकालना है बिटवीन टू पॉइंट्स। आपने एम इज इक्वल बिटवीन टू पॉइंट्स कौन कौन से निकाल लिए हमने, हमारे पास नंबर जो गिवन है 7 और एंड 8, ये हमने फाइंड करना है। और हमारे पास नंबर है 7 और माइनस, ठीक है। हमारे पास इसका अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ओवर टू। ए की वैल्यू हमारे पास 7 है और बी की वैल्यू 3 है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, 3 और 4 2 2 2 2, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन आ गया, उससे अगर यू फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दिस, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, अंडर रूट ए बी, अगर दो वैल्यूज हैं तो ए बी, अगर तीन होगी तो इट्स ऑन, तीन वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास ए और बी दो वैल्यूज हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर बनता है हमारे पास 9, 8 और 9 आ गया, खुद करना है, मैं बस ही जवाब के तौर पे लिख देता हूँ 4xy² और प्लस माइनस, ठीक है। ये आपने, अगर कोई आपको बात ना समझ आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हम इसको अप्लाई करेंगे आज के दौर क्वेश्चन में, और ताकि हमारे जो है ये पूरी का पूरा हमारा कंप्लीट हो जाए। और 4 में कुछ पहले तो आएंगे 4 पार्ट आगे इसका, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 का 1 पार्ट करने में गए, डेफिनेशन है डिफाइन यूनियन ऑफ सेट्स। Union of sets, you know very well, A and B are the two non-empty sets. Then the union of A and B means the set of all those elements which are either present A or B. ठीक हो गया? अच्छा जी, अब मैं करने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, इसका 2, ये तो मैंने डेफिनेशन आपको सुना दी है, तो इसमें आपने फाइंड क्या करना है, A intersection, A complement. ठीक है जी, यू हमारे पास गिवन है, यू हमारे पास गिवन है जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, और ए हमारे पास गिवन है 2, 3, 5 और 7। अगर मैंने ए कॉम्प्लीमेंट, पहले सबसे पहले मैं ये चीज़ फाइंड करूँगा, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए, इसमें तो इसका मतलब होता है कि वो तमाम वैल्यूज हम लिखेंगे जो ए यू में तो हो और ए में ना हो। अब देखिएगा, जब मैं ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज लिखूंगा तो मैं लिखूंगा ए 1 जो कि इसमें नहीं है, 2 है वो मैं नहीं लिखूंगा, 3 है वो मैं नहीं लिखूंगा, 4 नहीं है वो मैं लिख दूंगा, 5 है नहीं लिखूंगा, 6 है वो लिख लूंगा, और 7 ऑलरेडी है उसमें, और यहाँ पर 8 है, ये आगे ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमें A इंटरसेक्शन इंटू A कॉम्प्लीमेंट निकालना था, तो A की वैल्यू दोबारा से मैं लिखूंगा 2, 3, 5, 7। तो यहाँ पर मैं एक बात वाजिया करता चलूँ कि जो इंटरसेक्शन होता है वो बेसिकली सेम वैल्यूज़ को इंट्रोड्यूस करवाता है, और यहाँ पर दोनों में कोई भी सेम वैल्यू नहीं है, तो हम इसको खाली सेट पर रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें एक बड़ी बच्चों की गलती करते हैं कि खाली सेट के अंदर ये वाली वैल्यू लिख देते हैं, बेसिकली खाली फाई जो है ये खाली सेट को तो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब भी इसके ब्रैकेट लग जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है पावर सेट में, तो ऐसी गलती बच्चे ना करें, और अक्सर उकार टीचर्स भी कर लेते हैं, तो इससे बचा जाए। बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी कुछ इसी तरह से है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। मैं आपके साथ आज ये पूरे का पूरा शॉर्ट क्वेश्चंस के पेपर को कंप्लीट कर रहा हूँ, बाकी आपकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा चैलेंज के बाद, देखने के बाद। और मैं अपने बेटे बड़ा शुक्रगुजार हूँ, ये अहमद हसन का, अली हसन का सच, कि इसने आज मुझे स्पेशल गाइडिंग, आज इसको कंप्लीट कर लें आज से। ए और बी हमारे पास दो वैल्यूज हैं, मैंने आज आधे ही करवाना था 1 और 3। ए क्रॉस बी चेक करते हैं, फाइंड करना है 3, 5 और 6, 1 और
इसमें ये होता है कि आप ए क्रॉस बी लिखेंगे यहाँ पर एज इट इज ही, एक बड़ी ब्रैकेट डाल लेंगे और इसके अंदर थ्री और वन का पेयर, थ्री और थ्री का पेयर एक, फाइव और वन का पेयर, फाइव और थ्री का पेयर, फिर सिक्स और वन का पेयर, फिर सिक्स और थ्री का पेयर, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया ए क्रॉस। इसके बाद मैं नेक्स्ट चलता हूँ कन्वर्ट 86 डिग्री टू फारेनहाइट, ठीक है, फारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करना है। फारेनहाइट का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है 5/9/5 डिग्री मल्टीप्लाई में प्लस 32, ठीक है, 9/5 डिग्री हमारे पास 86 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन 32, इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास जवाब आएगा 154.8 और जब इसमें 32 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 168.8 फारेनहाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ का है, ग्राफ मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, नहीं अब दो रह गए, ये भी कंप्लीट कर लें, इसके पास चलते हैं। अली ऐसे भी लगता था कि कोई वीडियो बना रहा है ना, ये लो वीडियो तो अली दम नहीं हो और फिर अली ऐसे का टाइम वेस्ट हो गया बेचारे। इसका हमने ग्राफ बनाना है तो मैंने यहाँ पर 1, 2 और 3 लिया, ये क्योंकि एक्स एक्सिस की साइड का ना, और -1, -2 ये अनंत होगा एक्स एक्सिस की तरफ, और मैंने इन लाइंस को मिला दिया, ये बना ग्राफ। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और बस 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, फिर इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर लेंगे। डिफाइन अरिथमेटिक मीन, डेफिनेशन आ गई, आप कर लीजिएगा बुक से। बट इज बोर्ड क्वेश्चन नंबर आ गया लास्ट से, हम रेंट भी आ गए क्वेश्चन नंबर से आना से। मोड फाइंड करना है इस डेटे का, 6, 2, 4, 3, 4, 6, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 5, इसमें बेसिकली मोड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। आप यहाँ पर देखें जो वैल्यू सबसे ज़्यादा दफा है वो बन रही है 4, तो आपके पास जो जवाब आएगा मोड इज इक्वल टू 4, ठीक हो गया। इसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करना है रेंज, रेंज होती है एक्स एम माइनस एक्स नॉट, मीन सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी कीमत। अब मैं पूरे डेटा नहीं लिखूंगा, सबसे बड़ी वैल्यू लिख दूंगा, इस डेटे में सबसे बड़ी वैल्यू आएगी 22, सबसे छोटी है 6, इसको हल किया तो 16 जी। बेस्ट ऑफ लक, ये हमने आज 2019 ग्रुप 2 का मुकम्मल पेपर जो है शॉर्ट क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने किया है, इंशाल्लाह रही जिंदगी तो फिर कल मिलेंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।